आज का जो परमेश्वर का वचन है वो हम लोग देखते हैं। ये विश्वास और शंका, प्रेज द लॉर्ड, बोलो विश्वास और शंका। ठीक है, बाजू वाले साथ मिलाओ, बोलो विश्वास और शंका, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो विश्वास करो, डाउट मत करो, आमेन, हालेलुया। तो ये विश्वास और ये डाउट, आमेन। जैसा एक सिक्का रहता है उसका दो चेहरा है, हालेलुया। सिक्का जो रहता है उसका क्या है, दो चेहरा है। ये सिक्का है, इसका हेड और टेल, आमेन, हालेलुया। सिक्के का दो पहलू है, एक साइड में विश्वास रहता है, एक साइड में डाउट रहता है। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, जैसे बोलते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, हालेलुया। वैसे कभी डाउट कभी विश्वास, कभी डाउट कभी विश्वास, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज इसी के बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करते हैं कि प्रभु यीशु क्या चाहता है। आमेन। हेड हम लोग जीत जाते हैं, टेल हार जाते हैं। विश्वास, एक साइड में विश्वास है, एक साइड में शंका है। विश्वास हमें जीत दिलाता है, शंका हमें हार दिलाती है, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने एक उदाहरण हमें बताया मत्ती के 21वें अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 19, 20, 21, 22। मत्ती 21वां अध्याय 19वां वचन, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ भी न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह कर सकोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब कुछ तुमको मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बाइबल में यीशु मसीह ने बहुत सारी कहानियां सुनाई, बीज बोने वाले का दृष्टांत, मछली पकड़ने वाले का दृष्टांत, हालेलुया, खेती में अनमोल रतन मिलने का दृष्टांत, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत यीशु मसीह ने बताए, लेकिन ये कहानियां थी, प्रेज द लॉर्ड, ये क्या थी, कहानियां थी, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग को कोई सत्य को समझाने के लिए ये कहानियां बना के यीशु मसीह ने सुनाई थी, कहीं ना कहीं सच कहानी तो है ये, प्रेज द लॉर्ड, जो यीशु मसीह हमको सुनाते थे। लेकिन ये जो कहानी है ये यीशु मसीह ने करके दिखाई, हालेलुया। उन कहानियों में और ये कहानी में एक फर्क है, हालेलुया। वो सब कहीं ना कहीं घटी हुई बातें यीशु मसीह ने वहां पर बताई, यानी वहां पर आमने सामने ये नहीं हुआ, लेकिन ये जो कहानी है यीशु मसीह ने वहां पर जगह पर करके दिखाया। जरूर इसमें कोई राज है, बोलो जरूर राज है, बोलो जरूर कोई बड़ी बात है, बाजू वाले से हाथ मिला के बोलो जरूर कोई बड़ी बात है, हालेलुया। क्या है वो बड़ी बात, क्या है वो जरूर कोई बड़ी बात, आज हम देखते हैं, हालेलुया। 19 वचन, एंड व्हेन ही सॉ अ फिग ट्री इन द वे ही केम टू इट एंड फाउंड नथिंग थेरऑन बट लीव्स ओनली एंड सेड अनटू इट, लेट नो फ्रूट ग्रो ऑन थी हेंसफॉरवर्ड फॉरएवर एंड प्रेजेंटली द फिग ट्री विदर्ड अवे, हालेलुया। इस अंजीर के झाड़ के पास यीशु मसीह गए, हालेलुया, अंजीर ढूंढा नहीं मिला, यीशु मसीह ने झाड़ को श्राप दे दिया, क्या दे दिया,
क्या सच में यीशु मसीह को इतनी भूख लगी थी क्या? हालेलुया। क्या सच में यीशु मसीह को इतनी भूख लगी थी कि गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ? क्या ऐसी बात है क्या? यीशु मसीह को इतनी ज्यादा भूख लगने की आदत अगर रहती थी तो जब यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास प्रार्थना किया था तो शैतान तुरंत आया था, बोला भूख लगी है ना, हर इंसान को भूख लगती है 40 दिन के बाद तो। हालेलुया, भूख तो लगी थी। तो बोला खाना भी नहीं लाया कोई, तेरे परमेश्वर ने खाना भी नहीं लाया। यीशु मसीह चुपचाप देखते होंगे, एक काम कर इन पत्थरों को रोटी बना के खा ले। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु मसीह ने कोई झाड़ के पास जाके कुछ ढूंढा होता और मिल गया होता, खा लिया होता। लेकिन यीशु मसीह ने जो शैतान को उत्तर दिया, उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के हर एक वचन से जीता है। आमेन, हालेलुया। 40 दिन के बाद भी यीशु मसीह ने ये बात कही, तो इससे हम लोग को मालूम पड़ता है ये झाड़ के साथ यीशु मसीह ने जो कुछ किया वो भूख के वजह से नहीं। यीशु मसीह को उस झाड़ के पास जाते हुए जो लोग देख रहे थे, उन लोगों को कुछ सिखाने के लिए यीशु मसीह ने जो कुछ वो झाड़ के साथ किया वो किया। बोलेंगे आमीन, बराबर है कि नहीं? हालेलुया। तो हम लोग को एक मालूम पड़ा, ये जो गुस्सा यीशु मसीह को आया था असली वाला गुस्सा नहीं था। हालेलुया, नकली वाला गुस्सा था। हालेलुया, और अपने चेलों को सिखाने के लिए एक गुस्सा उन्होंने किया था। हालेलुया, उस झाड़ के ऊपर। तो झाड़ के पास गए, यीशु मसीह को अंजीर नहीं मिला, चेले भी देख रहे थे अंजीर नहीं मिला, अंजीर नहीं मिला, अब क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने उनको देखा रहेगा, धीरे से देख रहे इन लोग मुझे, ठीक है। हालेलुया, उस झाड़ को बोला आज से थोड़ा एक्टिंग भी किया रहेगा। हालेलुया, चले दूर दे, अरे बहुत गुस्सा है झाड़ के ऊपर यीशु मसीह। क्या बोला? तो एक ने बोला ऐसा बोला कि आज के बाद तुझसे कोई खाने ना पाए। हालेलुया, आज से इस झाड़ से कोई अंजीर खाने ना पाए। तुरंत झाड़ सूख गया, बोलो तुरंत। हालेलुया, कितने जने देखा है ऐसा तुरंत झाड़ सूखते हुए? नहीं, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कब सूखता है मालूम है झाड़? तुरंत जब उस झाड़ के ऊपर बिजली गिरती है, कोई झाड़ के ऊपर बिजली गिरती है तुरंत वो तुरंत पत्ते सूखते नहीं, लेकिन उस दिन मर जाता है। 10-15 दिन के बाद हमको पत्ता सूखा हुआ मालूम पड़ता है। हालेलुया, जब हम छोटे थे गांव में ऐसा होता था, बादल और बिजली गिरती थी, बादल खड़कते थे, तो रात को कभी जोर से आवाज आया तो हम लोग जाके हमारे आजू बाजू के घरों में देखते थे कौन सा झाड़ के ऊपर गिरा बिजली। फिर एक नारियल का झाड़ को, ये देख ये गया काम से, इसके ऊपर गिरा है। हालेलुया, तो तुरंत दूसरा दिन सुबह मालूम पड़ जाता था इसको बिजली मारी है, अब ये मर गया, अब इसको कोई बचा नहीं सकता है, कितना भी पानी डालो कुछ भी करो क्योंकि उसका लाइफ खत्म हो गया, उतना बिजली उसके अंदर से पास हो गया, अर्थिंग हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब यीशु मसीह ने ये जो श्राप दिया इस झाड़ को, झाड़ तुरंत सूख गया। हालेलुया, तुरंत पत्ते बीते डाउन हो गए, जो ऐसे थे ऐसे हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चेले, यीशु मसीह ने ये किया, फिर चेले भी बोल के बताने लगे। फिर चेलों ने क्या किया देखते हैं हम लोग। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा,
यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? हालेलुया। चलो को अचंभा हुआ, बोला बाप रे बाप, तुरंत सूख गया, बिजली नहीं गिरी यीशु मसीह, लेकिन आपके बातों की बिजली इसके ऊपर गिरी। आपके शब्दों में इतनी बिजली थी जो उनके ऊपर गिरी और वो मर गए। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो तुरंत, जैसे सोचिए उदाहरण के लिए, यीशु मसीह गाला नगर में खड़े, अंजीर का झाड़ गाला नगर में है, आमीन, सामने संतोष भवन का पहाड़ है, हालेलुया। समझ, उदाहरण के लिए गाला नगर में संतोष भवन में पहाड़ है, यीशु मसीह वहां पर खड़ा है अंजीर के झाड़ के साथ, ये हो गया। तो यीशु मसीह तुरंत पहाड़ को हाथ दिखा के बताते हैं आगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास रखो हाँ और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाजू में एक पहाड़ था, यीशु मसीह बोलते जो ये झाड़ के साथ किया वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग विश्वास रखते हो इस पहाड़ को भी आप बोलोगे उठ जाके समुद्र में गिर जा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह क्या बोलते हैं, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो दो तरह की विश्वासी लोग हैं इस दुनिया में, और यीशु मसीह इस कहानी के जरिए बताते हैं आपको और मुझे इस अलग तरह का विश्वासी बनना है। बोलो अलग बनना है। देखो क्रिकेट कितने जन देखते हैं, क्रिकेट है ना, बैट बॉल, हालेलुया, सारे लोग जानते हैं, ठीक है, ज्यादा करके बहनें देखती, नहीं तो भाई लोग घर में देखते रहते हैं, आप लोग भी थोड़ा नजर लगाते हो कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। तो इसमें जब बैटिंग करने के लिए लोग आते हैं हाथ में बैट लेकर के, दो तरह के बैट्समैन होते हैं, हालेलुया। कोई लोग जो है डिफेंसिव खेलते हैं, रक्षात्मक बल्लेबाजी उसको बोलते हैं। कौन सी बल्लेबाजी, जब सामने वाला धीरे भी बॉल डालेगा फास्ट भी बॉल डालेगा, आमीन, अपनी विकेट ना गिरने से बचाएगा बस, हालेलुया। और एक दूसरे तरह के प्लेयर रहते हैं मैच में, वो आते हैं चाहे बॉलर कौन सा भी रहते, वो बॉलर जितना भी नाचेगा नाचेगा, बॉल डालेगा ये उठा देगा छक्का, हालेलुया। ये अटैकिंग बल्लेबाजी, बोलो अटैकिंग बल्लेबाजी। किसी लोगों की रक्षात्मक बल्लेबाजी होती है और किसी जन की क्या होती है, आक्रामक बल्लेबाजी, बोलो आक्रामक बल्लेबाजी। तो यीशु मसीह चाहते हैं आप और मैं एक आक्रामक मसीह जीवन जिए, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले से हाथ मिलाओ, बोलो आक्रामक बनो, हालेलुया। अब ये क्या है, देखो शैतान बॉलर है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बॉलर, बॉलर कौन है इस कहानी में, बॉलर कौन है, अच्छा पहला एक बॉल डालता है, आप ऊप करोगे विकेट गिरने से बचाओगे, शैतान का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आपके ऊपर बाउंसर, गुगली, स्पिनर, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, लेग ब्रेक, गुगली, क्या 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 बॉल डालता है। आप देखते हो जो भी बैट्समैन रक्षात्मक खेलता है बॉलर लोग उसकी हालत खराब कर देते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और आखिर में उसकी दंडी गुल कर देते हैं, आमीन, होता है कि नहीं। और जब कोई अच्छा बॉलर भी है, बॉलर डाल रहा है लेकिन कोई हिटर आया, जब वो मारने शुरू कर देता है बॉलर अपना बॉलिंग भूल जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, बॉल यहां गिरना चाहिए वहां गिरता है, वाइड बॉल हो जाता है, नो बॉल हो जाता है, हालेलुया। हम लोग को मालूम पड़ जाता है घर पे बैठे बैठे मैच देख रहे बॉलर डर गया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बराबर है कि नहीं।
इसको बोलते हैं आक्रामक बल्लेबाजी। आमीन। तो वैसा ही शैतान जो है हमारे जीवन में कुछ कुछ समस्या डालते हैं। आमीन। रुकावट डालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, भजन संहिता 91, जो परमेश्वर की छाया में रहेगा, टुक टुक, हालेलुया, बोलो रक्षात्मक बल्लेबाजी, प्रभु मुझे बचा, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, मुझे बचा, अच्छा है, अच्छा है, कभी कभी अच्छा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने बोला हालेलुया, आक्रमक मसीह जीवन जीना है, हालेलुया, कोई फल नहीं दिया उड़ा दो उसको, हालेलुया, हालेलुया, कोई पहाड़ बन के आया फेंक दो उसको समुद्र में, हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो आक्रमक, आक्रमक मसीह बनना है, हालेलुया। मेरा एक दोस्त एक बार, उसके परिवार के कोई लोग थे, कोई उनके परिवार की एक स्त्री थी, वो बीमार थी, तो अस्पताल में उनको मिलने गया। जब वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, आंख बंद करके जोश से प्रार्थना कर रहे थे, अचानक उनको एक दर्शन दिखा। दर्शन में ऊंचा काला पहाड़, डेंजर पहाड़, काला 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 दिखा। वो प्रार्थना किए, तब मैं भी एक विश्वासी था, पास्टर नहीं था। वो भाई प्रार्थना करके जब आए, हम लोग शाम को रोज मिला करते थे किधर ना किधर, तो मुझे बोले, ब्रदर आज मैं हॉस्पिटल में गया था, हमारा रिलेटिव हॉस्पिटल में है, जब उसको प्रार्थना कर रहा था मुझे काला डोंगर दिखाया, परमेश्वर ने काला पहाड़ दिखाया, क्या है, दुष्ट आत्मा है, प्रेज द लॉर्ड। मैंने पूछा उनको क्या होता है, उनको बहुत बुखार आता है, प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला एक काम कर, बाइबल में पहाड़, यीशु मसीह ने बोला पहाड़ों को आज्ञा दो समुद्र में गिर जाएंगे, मुझे लगता है परमेश्वर बता रहे ये बुखार, ये पहाड़ है, इसको तो बांध दे, आज्ञा दे निकल जाने के लिए, समुद्र में निकल जाएगा उसका बुखार, निकल जाएगा, वो एडमिट है, वो बाहर आ जाएगी छूट के, हालेलुया। और बोला ठीक है, दूसरा दिन वो गया, ऐसे उसने प्रार्थना किया, आक्रामक प्रार्थना किया, उस पहाड़ नामी बुखार को आज्ञा दिया, दूसरा दिन वो डिस्चार्ज हो गई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है आप और मैं आक्रामक प्रार्थनाएं करना चाहिए, हालेलुया। हो सकता है आपके सामने आज बहुत सारे बाउंसर डाले हैं, बहुत सारे ऐसे गुगली बॉल डाले, आपको मालूम नहीं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां है, ऐसे पहाड़ आपके सामने आके खड़े हो गए, हालेलुया। आप अभी नीचे देख के बैठ नहीं सकते, आप ऐसे बोल नहीं सकते बचा प्रभु बचा, प्रभु कहता है उठ खड़ा हो जा, उस पहाड़ को आज्ञा दे, हालेलुया, बोलो उठ जा, समुद्र में गिर जा, बोलो आमीन, हालेलुया। कितने जन ऐसा आक्रामक मसीह जीवन जिएंगे आज के बाद आत्मा में, आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया, आत्मा में आक्रामक मसीह जीवन जीना है, कोई भी रुकावट लाता है शैतान उसको तोड़ देना है यीशु के नाम से, उसको हटा देना है यीशु के नाम से, हालेलुया। देखिए मार्टिन लूथर नामक एक विश्वासी, बहुत ही बड़े परमेश्वर के दास थे, उन्होंने ऐसा कहा, देखो, गॉड आवर फादर हैज मेड ऑल थिंग्स डिपेंड ऑन फेथ, बोलता है परमेश्वर हमारे पिता ने ऐसा बनाया कि सब कुछ विश्वास पे निर्भर किया है, हालेलुया, सो दैट हूएवर हैज फेथ विल हैव एवरीथिंग एंड हूएवर डज नॉट हैव फेथ विल हैव नथिंग। बोलते परमेश्वर ने ऐसा किया है जिसके पास विश्वास है उसके पास बहुत कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा, और जिसके पास विश्वास नहीं उसके पास कुछ नहीं रहेगा, हालेलुया।
हालेलुया। तो आज अगर आपके पास विश्वास है तो आपके पास सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर आपके पास विश्वास नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास जिसके पास है मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह पर, वो महान परमेश्वर पर, दुनिया में एक ही ऐसा परमेश्वर है जो विश्वास करने के योग्य है, वो है अब्राहम का परमेश्वर, इसाक और याकूब का परमेश्वर। हालेलुया, उसका नाम यहोवा है। हालेलुया, और उसी के बारे में बोलने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इतना महान परमेश्वर जिसने लाल समंदर को दो भाग किया, अपने लोगों को बचाया, उनके साथ चला, बादल का खंभा बन करके दिन में, रात में बिजली का खंभा बन करके उनके साथ वो चला। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो हमारे साथ नहीं चलेगा? तो क्या हम लोग आक्रामक मसीह जीवन जीना चाहिए, रक्षात्मक? कैसा वाला? जोर से बोलेंगे, केवल भाई लोग बोलेंगे, केवल बहन लोग बोलेंगे? बहन लोग थोड़ा ठंडा लग रहे हैं, बोलिए जरा, कौन सा मसीह जीवन जीना है? फिर भी ठंडा लग रहे हैं, फिर से बोलिए। पीछे अच्छा है, आगे ठंडा है, फिर से बोलेंगे। हाँ, अभी थोड़ा फ्लो लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो बोलता है जो विश्वास करेगा उसके पास सब कुछ रहेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसके पास कुछ नहीं रहेगा। आमेन, हालेलुया। तो शैतान आपके जीवन के सामने बहुत सारे ऐसे पहाड़, ताकि आप चढ़ते चढ़ते थक जाओ या देख के बैठ जाओ, आगे नहीं बढ़ो। आपके जीवन में कर्जा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रुकावट, आपको बिजनेस नहीं आता है, बाकी लोग बिजनेस कर रहे हैं, सक्सेस होता है, आप नहीं हो रहे, कुछ ऐसी बातें हैं, परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया, उन पहाड़ों को आज्ञा देना है, उन समस्याओं को आज्ञा देना है, उन रुकावटों को आज्ञा देना है, मेरे जीवन से निकल जा। बोलो आमेन, हालेलुया। अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको ऐसा बोलोगे, भाई साहब निकल जाइए ना मेरे रास्ते से, हो जाएगा क्या? हालेलुया, हालेलुया। कैसे बोलना पड़ेगा उसको? हालेलुया, डांटना पड़ेगा मेरे भाइयों बहनों। हालेलुया, डांटना पड़ेगा उसको, उस समस्या को डांटना पड़ेगा। आपका बिजनेस रुकाते आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाता है, आपके जॉब में प्रॉब्लम लाता है, आपके परिवार में प्रॉब्लम लाता है, ऐसी दुष्ट शक्तियों को आपको डांटना पड़ेगा, उसे लड़ना पड़ेगा, उसे आज्ञा देना पड़ेगा, और वो सारी अंधकार की शक्तियां आपके जीवन से दूर हो जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। देखो, एक भाई था, उसका नाम था जॉर्ज मुलर। कौन था ये भाई? अनाथाश्रम चलाते थे। प्रेज द लॉर्ड। इनके पास खुद पैसा नहीं था अपना जीवन जीने के लिए। हालेलुया, इन्होंने साथ में 100 बच्चों को और ले लिया। आमेन, बोला हम इनको भी पालेंगे, परमेश्वर देखता रहेगा। ओगाओ, आमेन। खुद जीने का मुश्किल है और 100 बच्चों को पाला है, बोलता है कि इनको मैं पालूंगा प्रभु आपके नाम से। तो बच्चे लोग तो मस्त रहते थे, इनका जिम्मेदारी था इनको खाना पीना रोज आना चाहिए। और एक दिन ऐसा हो गया, दूसरे दिन सुबह के लिए कुछ भी नहीं था खाने पीने के लिए, नाश्ता, जैसे आप और मैं तैयारी करके रखते हैं कल क्या नाश्ता करेंगे, घर में बातचीत चलती है कल क्या करेंगे नाश्ता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना, ये करेंगे, आमलेट बनाएंगे, भुर्जी बनाएंगे, ब्रेड बटर बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, चलता है। तो बातचीत सब तैयार करके रखते हैं, पैसा भी रहता है, इसमें कोई विश्वास की जरूरत नहीं। तो इस भाई के पास दूसरा दिन के लिए ना पैसा था, ना उधारी देने वाला कौन था, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा दिन सुबह बच्चों के लिए दूध और ब्रेड कहाँ से आएगा, उनको मालूम नहीं था। तो वो रात को प्रार्थना करने लगे, बच्चे तो सो गए, सर लाएंगे किधर से भी लाएंगे, हमको क्या, बच्चे लोग तो सो गए,
लेकिन इन्होंने प्रार्थना किया, बोला प्रभु बच्चों को दूध के लिए कल पैसा नहीं, आशीष दे, दया कर, आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। तो ये भाई प्रार्थना करने लगे, अचानक ऐसा हो गया उनके सामने से जो दूध की टैंकर जा रहा था दूध का, हालेलुया, वो टैंकर में कुछ खराबी आ गई, हालेलुया। तो दूध के टैंकर वाले ने मैकेनिक को फोन किया, मैकेनिक आया तो दूध वाले को बोला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आज का पूरा दिन जाएगा, हालेलुया, और दूध तो उतना देर रख नहीं सकता है, हालेलुया। तो इसने बोला आज का दिन जाएगा, ड्राइवर ने बोला तो क्या करना है ये दूध को, बोला क्या करने का, वो करो किसको बांट दो अभी क्या करेंगे। तो जब उन्होंने आजू बाजू में मुड़के देखा तो बड़ा अनंत आश्रम था, उनको बोला सर हमारी गाड़ी खराब हो गई है, आप लोग को दूध चाहिए, हालेलुया। बाल्दी लेके आ जाओ, है कि नहीं, ग्लास मत लेके आ जाओ, बाल्दी लेके आ जाओ, भर के ले लो जितना चाहिए उतना, हालेलुया। भरा, बोला प्रभु ब्रेड कहाँ है, ब्रेड दूध पीने से क्या होगा, हालेलुया, भूख थोड़ी मरेगी, खाना भी तो चाहिए ना बच्चों को। सुबह एक बेकरी वाला आ गया, दरवाजा टकटकाया, तो इसने बेकरी वाला ब्रेड लेके आ गया पूरा, ये बोला ऑर्डर नहीं दिया हम लोग, हालेलुया, और हमारे पास पैसा भी नहीं है। बोला बराबर आपने ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन रात को मेरे सपने में यीशु मसीह आए थे, हालेलुया, उन्होंने बोला इतना इतना ब्रेड है तुम्हारे अनाथ आश्रम में देने को बोला, इसलिए मैं फटाफट रात को उठ के फटाफट ब्रेड बनाया भाई, ये ले लो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे चमत्कार उनके जीवन में हर बार होते थे। तो उस भाई ने किताब बनाई थी, गवाहियों की किताब, उसका नोटबुक था गवाहियों का, तो नोटबुक पे नोटबुक लगा के उनका बुक इतना जाड़ा हो गया, उसमें 10,000 गवाहियां ऐसी वाली, मैंने तो दो बताई, ऐसी 10,000 गवाहियां ये जॉर्ज मुलर की किताब में है, हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। कभी ये जॉर्ज मुलर उनका जो संग्रहालय विदेश में है, प्रेज द लॉर्ड, वहां पर कभी ये बुक मिलेगा, कभी ये आ जाएगा, आप पढ़ लेना, पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत स्टोरी पढ़ सकता है, हालेलुया, बोलो आक्रामक, हालेलुया। तो ये जॉर्ज मुलर भाई क्या कहते हैं, विश्वास क्या है, आप और मैं बोलते हैं विश्वास विश्वास, तो वो बोलते हैं देखो इतना अनुभवी आदमी है, हर बार परमेश्वर पे विश्वास किया और हर बार परमेश्वर ने उनको पास कर दिया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या करते हैं, देखो ये क्या बोलते हैं जॉर्ज मुलर ब्रदर, फेथ डज नॉट ऑपरेट इन द रैम ऑफ द पॉसिबल, हालेलुया, ये बोलते हैं विश्वास वहां पर काम नहीं करता, कहां पर, जहां पर, देखो उदाहरण के लिए मैं बोलता हूं मेरे पास 20 रुपया है, हालेलुया, शाम को मैं जाकर गाड़ी पर जाकर इडली सांभर खाऊंगा, हालेलुया, कितना रुपया है 20 रुपया है, शाम को जाकर इडली सांभर खाऊंगा, इसके लिए क्या विश्वास की जरूरत है, नहीं, 20 रुपया है दुकान वाले को दे देगा, मुझे इडली सांभर दे देगा, हालेलुया, मैं खा लूंगा, इसमें विश्वास की जरूरत नहीं, हालेलुया। लेकिन आपके पास 20 रुपया नहीं और आप सोचते हैं शाम को मैं जाके इडली सांभर खाऊंगा, हालेलुया, आप परमेश्वर को मालूम है इसके जेब में कुछ नहीं, हालेलुया, और आप बोलते हो परमेश्वर आप मुझे सहायता करेगा, मैं ना शाम को इडली सांभर खाऊंगा, हालेलुया, परमेश्वर बोलता है हाँ अब तुझे मेरी जरूरत है ना, पैसा नहीं ना, हम बोलते हैं हाँ हमको आपकी जरूरत है, हालेलुया, तो परमेश्वर बोलता है अब मैं काम करता हूं, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जॉर्ज मुल्ला ब्रदर ये बोलते हैं फेट डज नॉट ऑपरेट इन द रैम ऑफ द पॉसिबल, बोलते हैं जगर अगर ब्रेड लेने के लिए मुझे पैसा रहते थे, पैसा ब्रेड लेने के लिए रहता था और मैं ब्रेड नहीं लेता था तो परमेश्वर लाता था नहीं था, मेरे पास ब्रेड लाने के लिए पैसा नहीं था और जब मैंने प्रार्थना किया
और मुझे कोई चारा नहीं था, मैं कमजोर था। मैं बोला प्रभु आप ही संभालो। हालेलुया। जब हम बोलते प्रभु मैं हार गया, तब परमेश्वर का यह विश्वास कार्य करता है। आमेन। हालेलुया। बोलता है देयर इज नो ग्लोरी फॉर गॉड इन दैट विच इज ह्यूमनली पॉसिबल। हालेलुया। अगर कोई काम करने के लिए मेरे पास पैसा है, मेरे पास 20 रुपया है, और शाम को जाके मैंने इडली खाई, मैं परमेश्वर को क्या महिमा दूंगा? मैं बोलूंगा प्रभु पैसा था, इडली खा लिया, आपका क्या काम है इसमें, आपने क्या चमत्कार किया? हालेलुया। अगर पैसा नहीं और इडली खा लिया, परमेश्वर को धन्यवाद देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसा ही फेथ बिगिंस वेयर मैन्स पावर एंड्स। अभी मैंने इडली का उदाहरण बताया, लेकिन हम इडली पे नहीं चिटके रहेंगे। हालेलुया। इडली बहुत छोटी चीज है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूं, परमेश्वर तो लाखों करोड़ों की बात कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप बोलते हैं प्रभु बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, मैं हार गया हूं, परमेश्वर बोलते हैं मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। मेरे भाइयों बहनों, इसीलिए इस विश्वास को लेकर के आपको और मुझे ऐसे पहाड़ों को डांट देना है जहां पर हमारा काम होने का नहीं रहता है। जब आपको लगता है मेरा बिजनेस हो नहीं सकता है, मैं डूब गया, आप परमेश्वर को बोलो प्रभु आप मेरे साथ में हैं, मैं डूब नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ है, मेरे परिवार डूब नहीं सकता। हालेलुया। आप मेरे साथ में है, मेरा दिवाला नहीं हो सकता। बोलो आमेन। हालेलुया। आप परमेश्वर को बोलोगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, उस बंधन से आपको बाहर निकालेगा। बिना पैसे के आप बिजनेस कर पाओगे, बिना इन्फ्लुएंस के आपका बिजनेस का इंक्रीमेंट होगा। परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा, नौकरी में ही वैसे आशीष देगा, हर एक जीवन में आप जो कुछ करोगे उसमें प्रभु आशीष देगा। हालेलुया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। आप जब बोलते हो मैं नहीं कर सकता, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर मार्ग खोलता है। आमेन। तो क्या करना है? बोलो आक्रामक। आपके जीवन में जो रुकावट लाने वाली, बहुत सारी रुकावटें अलग अलग तरीके से, आप जहां से आगे बढ़ना चाहते वहां पर रुकावटें। हो सकता है किसी को घर लेने में रुकावट है, हो सकता है किसी को चंगाई पाने में रुकावट है, हो सकता है किसी को बिजनेस वहीं पर ही पड़ा है। आप एक लेवल में हैं, वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे। हालेलुया। बस वहीं के वहीं चक्कर काट रहे। बराबर है कि नहीं? तो आज क्या करना पड़ेगा? आक्रामक मसीह बनना पड़ेगा। उन दुष्ट आत्माओं को, उन दुष्ट शक्तियों को आपको आज डांटना पड़ेगा। ए मेरे रास्ते से हट जा। बोलो आमीन। बोलो हट जा। मेरे भाइयों बहनों, ये विश्वास जो आक्रामक विश्वास है ना, उस झाड़ ने फल नहीं दिया, यीशु मसीह ने उसको श्राप दे दिया। सुन जा। हालेलुया। आपको इसको उसको श्राप नहीं देना है। हालेलुया। आपको उन परिस्थितियों को श्राप देना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कोई भी ऐसा पहाड़ आपके सामने है उसे आज्ञा दो उठ और जा समुद्र में गिर जा। आपको मालूम पड़ा अभी किसको बोलना है? किधर को मालूम पड़ा किसको बोलना है? मालूम पड़ा कि नहीं? कब बोलोगे? कब बोलोगे? हाँ कब बोलोगे? अभी बोलोगे ना? अब ये टीचिंग होने के बाद मैं आप लोगों को मौका दूंगा बोलने के लिए। आमीन। हालेलुया। और बोलना है और विश्वास करना है आज से, है ना। जो भी रुकावट है, किसकी शादी होने के लिए रुकावट है, किसको और कुछ बातों के लिए रुकावट है, हटाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि हमारा विश्वास उस यहोवा पर है,
उस महान परमेश्वर पर, वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी नहीं त्यागता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई पहाड़ हमें रुका नहीं सकता, रुका सकता है क्या? कोई पहाड़ हमें दबा के नहीं रख सकता। आप जो यीशु के पास आए, आप आशीष पाओगे। बोलो, मैं आशीष पाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे मांग, मैं दुष्टों की संपत्ति तुझे दूंगा। हालेलुया। मुझसे मांग, मैं दुष्टों की संपत्ति तुझे दूंगा। दुष्टों की संपत्ति परमेश्वर हमको देगा। आमेन। कितने सुन रहे? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हम सबको आशीष देना चाहता है, कहता है दुष्टों की संपत्ति मैं तुझे दूंगा। बोलो हालेलुया। ओके। लेकिन एक जगह बाइबल में यीशु मसीह को एक अमीर आदमी मिला, मोटा चेन बिन डाल के एकदम, हालेलुया। बोले यीशु मसीह, परफेक्ट बनना है हमको। क्या बनना है? परफेक्ट बनना है। यीशु मसीह बोला, परफेक्ट बनना है? हालेलुया। ये सब वचन मानो, हो जाएगा। बोला, वो सब कर रहे यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, और ज्यादा परफेक्ट बनना है। तो यीशु मसीह बोला, एक काम कर, तेरा ये जो है बेच डाल, हालेलुया, और तेरा प्रॉपर्टी बेच डाल, हालेलुया, तेरे पास जो कुछ है सब बेच डाल, जो पैसा आएगा बैंक में रख मत रखना, गरीबों को बांट देना, हालेलुया, फिर मेरे साथ आ जाना, तू एकदम परफेक्ट हो जाएगा, हालेलुया। वो अमीर आदमी को इतना बड़ा झटका लगा, वो बोला, आता ये तो मी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, भाग गया वहां से, प्रेज द लॉर्ड। तो किधर, एक जगह पे परमेश्वर कहता है, मुझसे मांग, मैं दुष्टों की संपत्ति। और यहां पर एक अमीर आदमी मिला, तो यीशु मसीह बोलता है, अगर तेरे को परफेक्ट बनना है, सब बेच के मेरे पीछे आ जा। क्या बोलने चाहते यीशु मसीह, क्या बोलना चाहते परमेश्वर? परमेश्वर का बोलना यही है। देखो ध्यान से सुनो, कितने सुन रहे मुझे? बाइबल को समझना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में ऐसा भी लिखा है, वैसा भी लिखा है, हालेलुया। इसके लिए आपको और मुझे यह समझना है, परमेश्वर कहता है, मैं दुष्टों की संपत्ति तुझे देता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि तू उसको जमा करके रखे, हालेलुया। मैं दुष्टों की संपत्ति तुझे दूंगा, लेकिन तू क्या करना है, तू वो संपत्ति लेकर के सबको आशीर्वाद देना है। बोलो आमीन। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो लेकर के तुझे क्या करना है, बोलो, आशीष देना है। सबसे पहला अपना दशमांश परमेश्वर को डालना है, उसके बाद अपना संपत्ति, परमेश्वर ने जितना दिया है, जो भी तकलीफ में, गरीब में, परेशानी में, उन लोग को हेल्प करना है। प्रेज द लॉर्ड। और उस नजरिए से आप परमेश्वर से मांगोगे, परमेश्वर तूने बोला है दुष्ट की संपत्ति मैं तुझे दूंगा, मुझसे मांग, तो परमेश्वर आपको छप्पर फाड़ के आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, ये साल नोटबंदी था, आप जानते हैं, क्रिसमस के लिए कम पैसा आने की संभावना थी, तो हमने हमारे लीडरों को बोला, जितना आएगा उतने में करेंगे, हालेलुया। अगर 5 लाख आएगा, वेज पुलाव बनाएंगे और क्या, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बस छोटे में करके छोड़ देंगे, लेकिन क्रिसमस का कलेक्शन शुरू हुआ, तब हम लोग ने मिलके एक वादा किया, मैंने भी अपने लीडर को बोला, जो भी पैसा जैसा जैसा आएगा, हम लोग तभी से उसमें से 10% है, आमेन, हम लोग गरीब लोग को देने को शुरू कर देंगे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं, वृद्धाश्रम है, वहां पर हम लोग देने को शुरू करेंगे। सब लोग बोले, ठीक है पास्टर, ऐसा करेंगे। और जैसा जैसा आया,
हम लोग ने देना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप लोग जानते हैं परमेश्वर ने क्रिसमस को छप्पर फाड़ के आशीष दिया। हालेलुया, हालेलुया। हर साल से ज्यादा इस साल 14,11,000 रुपया जमा हो गया। क्रिसमस में दोनों दिन चिकन बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, एल्यूमिनियम का ट्रस भी लगाया, एलईडी लाइट भी लगाया। हालेलुया, ड्रोन वाला कैमरा भी लिया, सब कुछ लेके अनाथ आश्रम को अपना दशमांश दान करके 67,000 बच गया। हालेलुया। क्योंकि देखो यीशु मसीह जब भी चमत्कार करता है बचना जरूरी है। 5 रोटी 2 मछली खाए, कितने टोकरी बचे? यीशु मसीह हमेशा पूछता था कितने टोकरी बचे, बोलो 12। इधर कितना बजा? 67,000 अनाथ आश्रम में 1,41,000 देने के बाद। हालेलुया, 14,11,000 उसका 1,41,000 हम लोग अनाथ आश्रम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ में हमारे बहुत सारे मेन लीडर जो गए थे ये सारे अनाथ आश्रम में। किसी को हमने फ्रिज दिया, कोई अनाथ आश्रम में फ्रिज नहीं था, खाना खराब होता था। वृद्ध आश्रम में बेचारे बूढ़े लोग रात का खाना कैसे खाएंगे या कुछ बचा है ना, तो एक फ्रिज दे दिया उन लोगों को। प्रेज द लॉर्ड, ढूंढ ढूंढ के दिया उन लोगों को। उन लोग हमारे पास नहीं है, हम लोग ने ढूंढ ढूंढ के दिया। बोलो प्रेज द लॉर्ड। उन लोग पूछने लगे आप कौन है, हम लोग यीशु मसीह के लोग है बाबा। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, कुछ कम हुआ क्या? कुछ कम हुआ क्या? मुझसे मांग, मैं दुष्टों की संपत्ति तुझे दूंगा। हालेलुया, लेकिन फिर तुझे भी क्या नहीं करना है? बोलो, जमा करके नहीं रखना है, जितना चाहिए उतना जमा करो। लेकिन आशाओं का तो कभी अंत नहीं है ना। लेकिन हम लोग इसलिए ऐसा जमा नहीं करेंगे जैसे कुछ लोग करते हैं दुनिया में, है ना। उन लोग खा नहीं पाते हैं फिर भी जमा करके रखते हैं। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहेगा आप और मैं ऐसा करें। हम लोग आशीष का कारण बनेंगे इस दुनिया के लिए। परमेश्वर को इसलिए बोलेंगे प्रभु मुझे आशीष दे क्योंकि मैं दूसरों को आशीष देना चाहता हूँ। और जब तक हमारे ऊपर आशीष नहीं आएगा हम दूसरों को आशीष नहीं दे पाएगा। हालेलुया। कोई हमसे 5 रुपया मांगेगा हम भाग जाएगा, क्यों भाई? नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो आमीन। जब हमारे ऊपर आशीष, तो मैं मुझे याद आया फिर प्रभु कभी 2,000 रुपया में हम लोग क्रिसमस बनाते थे, आज हम लोग ने 1,50,000 रुपया दे दिया दान में। प्रभु हजम नहीं हो रहा है, प्रभु हजम नहीं हो रहा है। हालेलुया, प्रभु हजम नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। देने लेने से भला देना, बोलो सब लोग बोलो, प्रभु मुझे देने वाला बना, है ना। सबसे पहला आपको कलीसिया को अपना देना है दशमांश, उसके बाद आप किधर भी दे सकते हैं जैसा परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा। आज दुनिया में कुछ लोगों को परमेश्वर ने इसने आशीष दिया और उन लोगों पर वो आशीष इसीलिए हुए है। आमीन। कुछ लोग 90% अपना दे रहे हैं। हालेलुया, कितना दे रहे? हाँ, दुनिया का जो नंबर वन अमीर है वो अभी विश्वासी है नहीं है किसको मालूम नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये छुपा हुआ विश्वासी है। हालेलुया, क्योंकि उसने अपना 90% कि 99% पता नहीं, मैं ज्यादा ध्यान से नहीं देखता हूं, लेकिन मैं देखता हूं कि ऐसे आदमी लोग हैं जो इतना दान कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन लोग ने अपना सब प्रॉपर्टी किसी न किसी के नाम पे लेकर दिया है। हालेलुया, कैंसर फाउंडेशन को इतना, इसको इतना, उसको इतना, उसको इतना, मैं मर जाएगा तुरंत आके ले लेने का तुम्हारे। प्रेज द लॉर्ड, ये मेरा नहीं है, वॉरेन बफेट, उसका नाम है वॉरेन बफेट। प्रेज द लॉर्ड, बिल गेट्स, ये सब बहुत बड़े बड़े लोग,
फेसबुक का जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, उसने भी अपना कितना तो परसेंट जो है वो ये बना के रखा है, वो भी ऐसा किसी को जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये लोग समझ चुके हैं, बोलो समझ चुके हैं, इसलिए उन लोग वहां पर हैं और हम लोग यहां पर हैं। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड। समझ गए कि नहीं? आज अभी ज्यादा दिन आप इधर ही रहोगे लेकिन आप उधर भी रहोगे। आमेन, बोलो आमेन। संडे के दिन इधर रहोगे, मंडे के दिन न्यूयॉर्क में। हालेलुया, हालेलुया। संडे के दिन इधर, मंडे के दिन सिंगापुर, न्यूयॉर्क। परमेश्वर आशीष देगा, बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये दिन आपके जिंदगी में लाएगा, बोलो लाएगा, अगर आप विश्वास करते। कितने जन विश्वास करते? हालेलुया। इसलिए विश्वास से चलना है और ये रुकावटों को डांटना है। यीशु के नाम से ए पहाड़, तेरा कोई काम नहीं मेरी जिंदगी में। हालेलुया, मैं तो यीशु का बेटा हूं, मैं डूब नहीं सकता। बोलो आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जीता जागता चमत्कार हमारा परमेश्वर हमारे जिंदगी में करता है, क्योंकि हम विश्वास से ये काम करते हैं। क्योंकि मेरा विश्वास था, अगर हम देंगे हमें कुछ कमी नहीं होगी। हालेलुया। और मैं यही सिखाता हूं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, भर भर कर, उमड़ता हुआ तुम्हारी झोली में डाल दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए मसीह जीवन सब देने के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। और एक भाई है सेंट अगस्तीन, एक परमेश्वर के दास थे बड़े, वो कहता है फेथ इज टू बिलीव व्हाट वी डू नॉट सी। हालेलुया, विश्वास का मतलब है उन चीजों पर यकीन करना जो हमको दिखती नहीं है। हालेलुया, विश्वास का मतलब है उन चीजों पर यकीन करना जो हमको दिखती नहीं है। और जब हम ये विश्वास करते हैं, उसका फल हमें ये मिलता है, जो चीज पे हमने यकीन किया जो दिखती नहीं थी वो हमको दिखने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का मतलब यह है जो चीज हमको दिखती नहीं उस पर यकीन करना। जैसे मैंने आपको बताया, संडे आप इधर रहोगे, मंडे आप न्यूयॉर्क में रहोगे। कभी होगा कि नहीं ऐसा? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आप अच्छे से विश्वास करो नहीं करो, लेकिन मैं तो सोचता हूँ बाबा, हालेलुया, कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा आपका पास्टर मंडे इधर रहेगा, संडे इधर रहेगा, मंडे नेपाल में होगा, मंडे पंजाब में होगा, या मंडे न्यूयॉर्क में होगा। हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर आप लोग बोलोगे ये तो पहुंच गया रे, अपना नंबर कभी आएगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आशीष, ये विश्वास, विश्वास पे चलो और उस आशीषों को ले लो, वो आपके लिए रखी है। बोलो आमेन, वो आपके लिए रखी है, आपके लिए, आपके लिए। सो फेथ इज टू बिलीव व्हाट वी डू नॉट सी, एंड द रिवॉर्ड ऑफ दिस फेथ इज टू सी व्हाट वी बिलीव। हालेलुया, हालेलुया। कितने को समझ में आया? हिंदी में भी मैंने समझा, विश्वास का मतलब है जो चीज दिखती नहीं उस पर यकीन करना है, और जब हम यकीन करेंगे तो उसका प्रतिफल ये होगा, जो चीज हमने देखी नहीं और यकीन की वो हमको दिख जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो अच्छे दिन पर यकीन करना है, मेरी आशीष वाले दिन आने वाले हैं। बाजू वाले से बोलो धीरे से, मेरे आशीष वाले दिन आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। या किसके थोड़े आशीष वाले दिन आने वाले आ गए, उन लोग बोलने का, उन लोग बोलो ये तो शुरुआत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, सच में, सच में
हालेलुया, यीशु मसीह महान है। मैं आपको कैसा बताऊं, आप लोग ये नहीं देखा ये क्रिसमस में क्या हुआ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आप लोग खुद ही देखे, कोई ऐसे बड़े बड़े बिग शॉट लोग यहां पर नहीं कि हर संडे फोर व्हीलर लेके आते, आमेन है क्या, हालेलुया, पैदल वाले टू व्हीलर वाले ज्यादा है, हालेलुया। फिर भी यीशु मसीह क्या बोलते हैं आपसे आज, ना यहां से ना वहां से मैं तुझे आशीष दूंगा, कहीं ना कहीं से, हालेलुया, हालेलुया, ना यहां से ना वहां से मैं तुझे आशीष दूंगा कहीं ना कहीं से, हालेलुया। तो ये परमेश्वर हमारा है, आप ये मत पूछो परमेश्वर को कैसे करोगे, वो परमेश्वर का काम है, हालेलुया, हालेलुया, कैसे करोगे कभी नहीं पूछना, उसका काम है, वो करेगा, बस आप देखते रहो, आमेन। एक काम जिंदगी में कभी नहीं भूलना, परमेश्वर आपको और मुझे अमीर बनाने वाला है, कितने विश्वास करते इस बात पर, लेकिन हम लोग वो अमीरी को लेके नहीं बैठेंगे, हम लोग और बांटेंगे, हालेलुया, फिर वो और हमें अमीर बनाएगा, फिर और बांटेंगे, क्या मालूम कभी क्रिसमस में 1 करोड़ रुपया भी देना पड़े मुझे, हालेलुया, हालेलुया, बराबर ना, वो कैसा क्रिसमस होगा भाई, हालेलुया, हाँ पूरे मुंबई को पार्टी देंगे क्या, हालेलुया, लगता है ऐसा ही, हालेलुया। देखिए ये कुछ चमत्कार भी हो सकता है, हम लोग के कैथलिक जिसमें हम लोग जन्मा था कैथलिक में, तो उसमें गॉड फादर गॉड मदर होता है ना, एक जैसा बच्चा जब बच्चे का नाम रखते हैं तो दो लोग ऐसा गार्डियन लोग, मतलब इसका अगर माँ बाप मर गया बाय चांस जवानी में ही है ना, तो उस बच्चे को वो पालेगा गार्डियन उसका, वो उन लोग गार्डियन बनते हैं, कैथलिक में होता है बाकी किसमें नहीं है, तो उन लोग पालेंगे उसको, बोलते हैं गॉड फादर गॉड मदर। तो मेरा जो गॉड फादर है आमेन वो अहमदाबाद में रहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मम्मी मेरा पिताजी ने बोला इसका तो गॉड फादर बनेगा, तो इसको एक अच्छा नाम, ये लड़का मेरे को हुआ है इसको एक अच्छा नाम ढूंढ के ले गया, बोला हाँ ठीक है। तो वो गया फादर के पास, किसे पास गया, चर्च में फादर लोग होता है, तो बोलते एक अमेरिका का फादर था आमेन, तो उसने बोला मेरा दोस्त को एक अच्छा लड़का हुआ है उसका मैं गॉड फादर बनने वाला हूँ, वो एक अच्छा नाम आप ढूंढ के दे दो, हालेलुया। तो उसने बोला ठीक है एक अच्छा नाम ढूंढ के देता हूँ, फिर उसने बोला उसको उसका नाम नोएल रखना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये लैटिन भाषा में नोएल का मतलब है क्रिसमस, हालेलुया, नोएल का मतलब है, तो मैं बोला अरे मेरा नाम का मतलब ही क्रिसमस है और मेरा काम भी क्रिसमस मनाना है, वो जोरदार से हालेलुया। मैं बोला सच में लगता है वो फादर हो ना हो परमेश्वर का आदमी था, हालेलुया, हो ना हो वो परमेश्वर का आदमी था, हालेलुया। जगत के उत्पत्ति से पहले से मैंने तुझे चुन लिया है, तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया है। देखो पैदा होते ही नाम रख दिया नोएल, बाद में काम इसको करने का रहेगा क्या, क्रिसमस धूमधाम से बनाने का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये हम लोग जो कर रहे हैं ये शुरुआत है, हो सकता है और इसके जरिए अनेक लोग देख के उन लोग भी शुरू करेंगे ऐसा, हालेलुया, बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कोई ना कोई परमेश्वर का हाथ हमारी जिंदगी में, आज आप लोग इस अंतिम आशा कलीसिया में इसलिए नहीं आए, किसने आपको बुलाया, आप इसलिए आए परमेश्वर ने बुलाया, किसने बुलाया, गॉड ने बुलाया आपको, हालेलुया। और क्यों बुलाया, क्योंकि उसने आपको चुन लिया है, हालेलुया,
अच्छा क्यों चुना है? आशीर्वाद पाने के लिए चुना है। बोलो आमीन। आप अपने आप को मत देखो, अपनी पढ़ाई को मत देखो, अपनी काबिलियत को मत देखो, उसके चुनाव को देखो। हालेलुया। परमेश्वर को बोलो परमेश्वर, बोलो परमेश्वर आपने मुझे चुना है, जरूर कुछ बात है मुझ में। हालेलुया। बोलो आमीन। कुछ डाला है उसने आपके अंदर। हालेलुया। कुछ काम है, कुछ मकसद है। हालेलुया। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं आज कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। हालेलुया। कुछ हटके करेंगे। आमीन आमीन। भविष्य के बड़े बड़े करोड़पतियों से बात कर रहा हूं मैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों से बात कर रहा हूं मैं। आमीन। हालेलुया। बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात कर रहा हूं मैं, उद्योगपतियों से बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यह दिन परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, आपके बिजनेस को हाई लेवल में लेके जाने के लिए। हालेलुया। वो पैसा नहीं जो किसी को अंबानी बनाता है, एक आइडिया। बोलो एक आइडिया। ये आइडिया कौन देगा? यस, वो बराबर जिसने बोला एक आइडिया। आमीन। इंसान को करोड़पति बना देता है। हालेलुया। और वो आइडिया परमेश्वर आपको देगा। आमीन। क्या विश्वास करते हैं आज आप? जो भी फील्ड में आप हैं, अगर आप गलत फील्ड में, परमेश्वर आपको वहां से निकालेगा, सही रास्ते में डालेगा। जो आपका मंजिल है वहां पर ही आप जाएंगे। चिंता मत करो, आप चलते रहो यीशु के साथ, चलते रहो। आप अगर गलत फील्ड में, परमेश्वर वहां से उठाएगा, सही जगह पर आपको लाके फिट कर देगा। हालेलुया। बोलो आमीन। चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं। जो पहाड़ आएगा उसको डांट, निकल जा। हालेलुया। निकल जा, निकल जा, निकल जा। हालेलुया। हालेलुया। कितने जोश से भरे आज, कितने जन को समझ में आया यीशु मसीह ने झाड़ को क्यों डांटा? प्रभु अगर आप झाड़ को नहीं डांटते, हम लोग भी मामा बन के बैठ जाते। हालेलुया। हम सोचते थे तकदीर में जो लिखा है वो होकर रह जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलते अरे तकदीर नहीं रे, शैतान बैठा है। तकदीर को क्यों कोस रहा है? हालेलुया। हालेलुया। है ना, कभी कभी शैतान आके हमारी जिंदगी में रुकावट डालते। हम लोग बोलते यार तकदीर मेरा ऐसा है। पास्टर को भी बोलते तकदीर में जो लिखा वो तो होगा ही ना पास्टर। हालेलुया। हालेलुया। है ना, मैंने पहले भी बोला है, अगर तकदीर का लिखा ही सब कुछ होता तो परमेश्वर हमसे प्रार्थना करने कभी नहीं कहता। टाइम वेस्ट है ना। अगर तकदीर का लिखा ही सब कुछ होता, परमेश्वर हमसे प्रार्थना करने कभी नहीं कहता। हालेलुया। आप और मैं अपना तकदीर खुद बनाएंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के जरिए, विश्वास से डांटने के जरिए आप और मैं जो है ऊंचाई पर जाएंगे परमेश्वर के नाम से। आमीन। हालेलुया। चाहे वो बिजनेस फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो जॉब हो, किधर भी आप कोई भी काम करोगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। आपको कोई दबा नहीं पाएगा। आप आशीष के हकदार हैं और आप आशीष पाके रह जाएंगे। हालेलुया। बोलो आमीन। बोलो आमीन। बोलो आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन एक चीज याद रखना। आमीन। क्या करना है? मुझे आशीष देने वाला बना। बोलो देने वाला। हालेलुया।
मैं लूंगा केवल आपसे, हालेलुया, मैं लूंगा केवल आपसे, मुझे देने वाला बना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए बोलिए, प्रभु यीशु मेरी मदद करो। और आज से जो है आपको क्या करना है, आपके जिंदगी के सामने जो भी पहाड़ है, बिजनेस के सामने जो पहाड़ है, उनको डांटना है, उनको बोलना है निकल जा, हालेलुया, रुक मत, बीमारी का पहाड़ है निकल जा, आपको लड़ना है उसके साथ, आपको मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर ने उसको रखा है, हालेलुया, हालेलुया, मजबूत बनाने के लिए आपको रखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगर वो प्रॉब्लम्स आपके जिंदगी में नहीं रहेंगे, आप मजबूत नहीं बनोगे, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करते परमेश्वर को धन्यवाद कहते। पिता धन्यवाद, महान परमेश्वर, आप आपका वचन हमने सुना, हमें आशीष दे, हमें ज्ञान बुद्धि पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु आपका वचन सुना, उस वचन के अनुसार चलने के लिए, समझने के लिए हमें शक्ति दे पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। सब लोग बोलेंगे आमीन।